और खबरों की शुरुआत करेंगे मेरठ से। जी हाँ, मेरठ में समाजवादी पार्टी के एक मंत्री का अश्लील डांस सामने आया है। मंत्री का नाम मोहम्मद फारूक हसन है और वीडियो में वो हास्य मुद्रा में मस्ती में डांस कर रहे हैं। अश्लील वीडियो आया है डांस का सामने, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का अश्लील डांस सामने आया है। अश्लील डांस करते मंत्री का वीडियो वायरल हुआ है। लोगों का आरोप है कि मंत्री अक्सर इसी तरह का डांस करते रहते हैं। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का अश्लील डांस सामने आया है, वीडियो वायरल हुआ है अश्लील डांस करते हुए। लोगों का आरोप है कि मंत्री इसी तरह डांस करते रहते हैं। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किस तरह का डांस है, अश्लील डांस डांस करते हुए हद ही भूल गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह डांस में खोए हुए हैं, इस तरह का डांस किया जा रहा है। अश्लील डांस की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो वायरल हुआ है। दर्जा प्राप्त मंत्री का अश्लील डांस एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरठ का ये पूरा मामला है जहां अश्लील डांस करते दिखे मंत्री मोहम्मद फारूक। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नेशनल वॉइस पर सहयोगी मुनव्वर हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। मुनव्वर, अश्लील डांस करते हुए यहां पर मोहम्मद फारूक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रेशु, मैं आपको बता दूं, ये तो इंतहा है, हद है। समाजवादी पार्टी ने जो लाल बत्ती बांटी है, और मेरठ शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ 11 लाल बत्ती है, एक कैबिनेट मंत्री है और 10 राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है। हद है, इंतहा है, लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हद से बाहर रहते हैं और यहाँ तो हद ही हो गई है। लगता नहीं है कि दर्जा प्राप्त मंत्री, ऐसा लगता है सड़क साफ कोई इंसान है, और जिस तरह से डांस कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनको प्रोटोकॉल नहीं पता है, इनको नहीं मालूम है कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है। जो क्षेत्र की जनता है उनका पूरा भार इनके कंधों पर है, इनको नहीं मालूम है यहाँ पर जिस तरह से डांस कर रहे हैं। लोगों ने इसकी शिकायत की है, एसएसपी से शिकायत किया है। लोगों का आरोप है कि लगातार ये फेसबुक पर प्रहार करते हैं, लोगों को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, अगर उसका कोई रिप्लाई कर देता है तो उसको थाने पर पहुंचवाते हैं, जिसकी शिकायत करने के लिए थाने पर पहुंचे, एसएसपी पर पहुंचे लोग, और उन्होंने शिकायत की और बताया कि जिस तरह से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है लोगों को उत्पीड़न करते हैं और जिस तरह से डांस करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। अब चलिए आप बने रहिए मुनव्वर हमारे साथ। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। जी धन्यवाद रेशु। सुरेंद्र जी, तस्वीरें आप देख रहे होंगे इस वक्त नेशनल वॉइस पर, मेरठ की ये तस्वीरें हैं जहां दर्जा प्राप्त मंत्री हैं मोहम्मद फारूक अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी भी शर्म नहीं रही, कपड़े तक उतार दिए हैं, वायरल वीडियो हो गया है उनका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इसमें रेशु क्या कहा जाए, अपने आप में कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों, सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की गिरावट का एक अपने आप में पराकाष्ठा है। और समाजवादी पार्टी को भी इसी तरीके के लोग दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाने के लिए मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके के लोगों को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बना रही है, कि जो अपने आप में अश्लीलता की सारे पराकाष्ठाएं किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें शासन को संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें तुरंत अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है सुरेंद्र राजपूत जी, कि जब से दर्जा प्राप्त मंत्री बने हैं तब से लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं मोहम्मद फारूक की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। देखिए जिस तरीके का शासन और प्रशासन हो गया है रेशु, ये अपने आप में इकबाल खो चुका है। अखिलेश यादव जी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए, और अखिलेश यादव जी अगर इन सब लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी छवि को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जिस तरीके से लगातार अपमानजनक बातें कर रहे हैं, या जिस तरीके से अश्लील डांस करते पाए गए हैं, या बदतमीजी की जा रही है जैसी की शिकायतें मिली हैं, ये सारी चीजों का कॉग्निजेंस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए और तुरंत ही उनको उनके पद से हटाना चाहिए। बिल्कुल, पद से हटाना चाहिए। और इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एसएसपी से शिकायत की है, क्योंकि उनकी फेसबुक पर भी लगातार कई तरह के कमेंट करते हुए नजर आते हैं मोहम्मद फारूक। अब अगर मैंने फेसबुक कमेंट नहीं देखे रेशु, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा।
नहीं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया तो दे सकते हैं ना। नहीं, अगर अगर इस तरीके की ये गलत बात कर रहे हैं, अगर भद्दे कुछ कमेंट कर रहे हैं, अश्लील कमेंट कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा होना चाहिए इनके खिलाफ। तो मैं तो अपील करूंगा उन लोगों से कि जिनके फेसबुक पे इन्होंने कमेंट किए हैं वो साइबर क्राइम में जाएं और तुरंत ही इनके खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेन करें ताकि तुरंत वैधानिक कार्रवाई हो सके। जी बहुत शुक्रिया नेशनल वॉइस से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत थे, नेता कांग्रेस। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरठ की तस्वीरें हैं। मेरठ में समाजवादी पार्टी के एक मंत्री का अश्लील डांस सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मंत्री का नाम मोहम्मद फारूक हसन है और इस वीडियो में वो किस तरह से डांस कर रहे हैं, सीमाएं भूल गए हैं। तस्वीरें आप देखिए। सहयोगी मुनव्वर चौहान है हमारे साथ फोन लाइन पर। मुनव्वर, आपसे जानना चाहेंगे, एसएसपी से शिकायत की है अब इस पूरे मामले को लेकर, लोगों ने क्या कुछ कहना है एसएसपी का इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल रेशु, मैं आपको बता दूं, एसएसपी से शिकायत की गई है वो फेसबुक कमेंट को लेकर की गई है, क्योंकि इस तरह की वीडियो थी उन्होंने उचित नहीं समझा जो शिकायत करता थे एसएसपी को, वीडियो को दिखाना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमने इस वीडियो को स्थानीय नेताओं के साथ साथ लखनऊ में जो इनके उच्च अधिकारी है, उच्च नेता बैठे हैं, उनको वीडियो दिया है। हालांकि जो शिकायत करता है वो खुद आज इस वीडियो को लेकर के लखनऊ के लिए निकल रहा है। हमने उसका नंबर दिया है, उसको हम थोड़े दिनों जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से मेरठ में 11 मंत्री हैं जिसमें 10-10 राज्य मंत्री हैं, उससे पहले भी एक मामला बागपत में आता है जहां कुलदीप उज्जवल दबंगई दिखाते हैं और तांडव मचाने की बात करते हैं। उसके ठीक बाद ही मोहम्मद अब्बास राज्य मंत्री हैं, जलप्राप्त राज्य मंत्री, वो एक्सपोर्ट लेके घूमते हैं, लाल बत्ती लगी होती है उनकी जिप्ती पर, वो अवैध रूप से घूमते हैं, उसकी शिकायत होती है। 3-4 दिन तक लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं और खुद 4 दिन बाद नक्सल वोल से कहते हैं कि गाड़ी मेरी थी जिसमें पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। इस तरह का मामला फिर एक और सामने आया, इसमें तो अश्लील डांस की हद हो गई है, क्योंकि नंगा नाच एक तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। और क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है, इनको इतना भी मालूम नहीं है कि हम आम आदमी है, जनप्रतिनिधि है, अब जब ये इस तरह से डांस करेंगे तो जनता का विश्वास कहीं ना कहीं पहले ही उठा हुआ है समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री से, और कहीं ना कहीं अब फिर उठ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनव्वर, और तस्वीरें ऐसी हैं कि इनको देखकर लोगों को शर्म आ जाए, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। बिल्कुल रेशो, इनको शर्म ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डांस कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं जहां ये डांस कर रहे हैं वहां तकरीबन 10-12 लड़के हैं जिनमें से एक ने इसको बनाया, उसी ने लीक किया है, उसने ही हमको ये बताया, उसने बताया कि हमने वीडियो वायरल कर दिया है और इसको हम अब लखनऊ के लिए भी लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने लखनऊ को भेज दिया है जो सब इन्होंने कर दिया है। जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है और वायरल हो रहा है, हमारे पास पहुंचा था, हमने दिखाया, अब हम उम्मीद करते हैं जो युवा मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं इसमें एक्शन लेंगे और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति व्यवस्थित हो रही है। आप बने रहिए मुनव्वर हमारे साथ। शिकायतकर्ता जो है, जिन्होंने शिकायत की है मोहम्मद फारूक की, फजरू जी हमारे साथ हैं। फजरू जी, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, आपने शिकायत की है, क्या आपके फेसबुक पर भी कमेंट किए गए हैं मोहम्मद फारूक की तरफ से? जी, फेसबुक कमेंट को लेकर ही तो मामला बना था, जो भी बना था। जी हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने हमें फेसबुक पे गालियां दी, मैसेंजर में गालियां लिखवाई, और जो है ना समाजवादी पार्टी की धमकी देते हैं कि समाजवादी सरकार है, हम कुछ भी करा सकते हैं, पुलिस हमारी, सरकार हमारी। लेकिन ऐसा क्यों, ये विवाद, क्या कोई विवाद था इनसे? नहीं, कोई विवाद नहीं था। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर अब एसएसपी से गुहार लगाई है, उनका क्या कुछ कहना है? एसएसपी साहब ने कहा था आपके साथ न्याय होगा, इन्होंने हमें जान से मारने की भी धमकी दी थी। जी, आपको जान से मारने की धमकी क्या फेसबुक के जरिए ही दी गई है कि फोन आया था आपके पास? नहीं, मैसेंजर में। जी, मैसेंजर में आपको जान से मारने की धमकी दी गई है। कब से जानते हैं आप मोहम्मद फारूक को? मैं तो बचपन से जानता हूँ इनको। जी, जिस तरह से इनका वीडियो जो है वो भी अब वायरल हुआ है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, चलिए आप बने रहिए फजरू जी हमारे साथ। हमारे साथ मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक जी, तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या किस तरह से आप डांस कर रहे हैं, आप ये भी भूल गए कि आप दर्जा प्राप्त मंत्री हैं? हेलो फारूक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मिल रही है जी। फारूक जी, ये भी भूल गए किस तरह का डांस आप कर रहे हैं? ये लोग हमारा डांस नहीं है, ये लोग हमारे हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं कुछ लोग।
नहीं, कुछ लोग चलिए आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मान सकते हैं, लेकिन जो कपड़े उतारते आप नजर आ रहे हैं तो दूसरे नहीं उतार रहे, वो तो आप खुद ही उतार रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त देख रहे हैं सभी दर्शक। क्या कहना चाहेंगे अपनी सफाई में आप? मेरा डांस ही नहीं है ना, कोई और है काम उठा के मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। नहीं, आपको पता नहीं है तो जरा टीवी खोल के तस्वीरें देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। कौन सा चैनल है आपका? नेशनल वॉइस पे तस्वीरें देखिए आप अपनी। चलिए, तो यहाँ फोन काट दिया है, शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फजरू हमारे साथ। एसएसपी ने क्या कहा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आप एसएसपी से पहुंचे। जी, एसएसपी को जैसे हमने पूरे प्रकरण का मामला बताया था, एसएसपी साहब ने कहा है कि अभी आपके पास आप पे मुकदमा लगवाया तो नहीं उन्होंने, हमने कहा भी लगवाया नहीं, लगवाने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने हमें फोन करके बुलाया और मंत्री जी के बारे में कहा कि वो मंत्री है, आज के टाइम में कुछ भी करवा सकते हैं तुम्हारे साथ। जी बिल्कुल, जान से मारने की धमकी आपको दी गई है। क्या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो आपके जानने वाले हों, जिसको इसी तरह के कमेंट जो हैं वो फेसबुक पे किए हैं मोहम्मद फारूक ने? मोहम्मद इसराइल हैं, उनको भी कहा है। उनको क्या कुछ कहा गया है? जी, उनको क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की धमकियां उनको दी गई हैं, क्या बता सकते हैं आप नेशनल वॉइस पर? आवाज नहीं आ रही आपकी सही। उनको किस तरह की धमकियां दी गई हैं फेसबुक पर, क्या ये बता सकते हैं आप? नहीं, धमकियां तो मैसेंजर में जो है गालियां लिखी बहुत बुरी बुरी, और जो है ना धमकी भी दी कि हमारे पास जो है ना ऐसे ऐसे गुंडे हैं, हम तुम्हें एक मिनट में उड़वा सकते हैं अगर हमारी वीडियो तुमने नेट पर वायरल किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता मुनव्वर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनव्वर, मोहम्मद फारूक से नेशनल वॉइस ने इस दौरान बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो तस्वीरें जो वीडियो है वो उनकी है ही नहीं और फोन काट दिया गया। बिल्कुल रेशो, मैं आपको बता दूं ये तो हमेशा से होता आया है, जब कोई आरोपी हो या किसी पर आरोप लगाओ कभी नहीं कहता ये मैंने फला गुना किया है। ये भी इसी तरह से यहाँ पर फोन काट के भागे हैं, कहीं ना कहीं इनको मालूम है, ये जानते हैं, जिस तरह से इनका वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है इनको मालूम था कि कोई ना कोई आवाज जरूर उठाएगा, कोई ना कोई चैनल या अखबार इसको जरूर दिखाएगा, इनको मालूम है। अभी ये फोन काट कर भागे, लेकिन भागने से समस्या का निवारण नहीं होता है, समस्या से भाग नहीं सकते हैं। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस पर स्टेप जरूर लेंगे, हमें उम्मीद है, नेशनल वॉइस लगातार इस तरह की खबरें जो है दिखाता है, हमें उम्मीद है वो स्टेप लेंगे। और ये जिस तरह से भाग रहे हैं समस्या से, ये भाग नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले भी जानकारी लेने की कोशिश की, पहले भी संपर्क करने की कोशिश की, इन्होंने पल्ला झाड़ा बोला कि लखनऊ और ऐसा कुछ मामला नहीं है, अब ये भाग रहे हैं, भागने दो, प्रदेशों कहाँ तक भागेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं। और तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मुनव्वर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सपा के किसी वरिष्ठ नेता से इस दौरान आपकी बातचीत हुई इस पूरे वीडियो को लेकर? बिल्कुल, मैंने इस पूरे मसले में जो जिला अध्यक्ष है देवीर सिंह, उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजी हैं और बिजी होने की वजह से ये उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि अब हमने खबर को दिखाया है तो नेशनल वॉइस की खबर के बाद जो जिला अध्यक्ष है उनके साथ साथ मैं यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा, साथ ही साथ लखनऊ से भी इस बारे में बात की जाएगी। अभी फिलहाल जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है वो भाग रहे हैं, हम इस पूरे मसले में जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनसे बात जरूर करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें जो स्थानीय नेता है जिला अध्यक्ष है वो क्या कार्रवाई करेंगे। रेशु, चलिए आप बने रहिए। मुनव्वर, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं पूरी खबर। दरअसल पूरा मामला मेरठ का है, मेरठ में समाजवादी पार्टी के एक मंत्री का अश्लील डांस सामने आया है। मंत्री का नाम मोहम्मद फारूक हसन है और वीडियो आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस पर। अपनी सीमाएँ ही भूल गए, डांस करते हुए दर्जा प्राप्त मंत्री मोहम्मद फारूक सीमाएं भूल गए। इस दौरान किस तरह से कपड़े उतार दिए उन्होंने डांस करते हुए, नेशनल वॉइस ने उनसे बातचीत की लेकिन उन्होंने फोन काट दिया, बात नहीं की। इस दौरान हमारे साथ शिकायतकर्ता भी थे मुनव्वर, शिकायतकर्ता फजूर से भी हमने बात की इस दौरान, उन्होंने कहा कि एसएसपी से पूरे मामले को लेकर वो पहुंचे थे एसएसपी के पास। क्या आपकी भी बातचीत हुई है एसएसपी से इस दौरान, अगर हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर?
रेशु जब ये शिकायत कर रहे थे तो एसएसपी के पास हम खड़े थे, इन लोगों ने शिकायत की, हमने हालांकि जानने की कोशिश की, लेकिन एसएसपी के पास इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे शिकायत करते आते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, इस मसले पर हम बात नहीं कर पाए, क्योंकि एसएसपी से हमने लगातार इस मामले में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है, वो नहीं ले पाए हैं, अब लेंगे जरूर इस मामले में, क्योंकि ये बड़ा मामला है, कहीं ना कहीं कार्रवाई की दरखास्त होगी, उनसे पूछा जाएगा कि इस पूरे मसले में वो क्या कार्रवाई करें, क्योंकि जान से मारने की धमकी देना भी अपने आप में बड़ी बात है, एक अपराध है, अटेम्प्ट टू मर्डर अगर हम धमकाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एक धारा बनती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पांचवी क्षेत्र से आते हैं और ढाई तीन महीने पहले ही ये मंत्री बनाए गए हैं, जिसके लिए भव्य प्रोग्राम किए गए थे और उनका स्वागत के लिए पूरे शहर के रोड जाम कर दिए गए थे, लेकिन अब जिस तरह से इनकी वीडियो सामने आ रही है इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ओच किस्म के इंसान है और अपना जो ये नेशनल वॉइस से भाग रहे हैं, फोन काट के भागे हैं, ये भाग नहीं सकते रेश में से। चलिए बहुत शुक्रिया मनोवर तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों का आरोप है कि मंत्री डराते हैं, लोगों ने एसएसपी से शिकायत की है, अब इस पूरे मामले में फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी जाती है।